जय माता दी। स्वागत है आप सबका ब्रह्मांशी में। पुत्रदा एकादशी आ गई है और हम सभी को एकादशी का व्रत करने के बाद इसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैंने आपको बताया है कि श्रावण के मास में श्रवण का विशेष महत्व होता है। तो आप व्रत करें या ना करें, परंतु ये कथा अवश्य सुनिएगा और अपने अपनों को सुनाइएगा भी जरूर, क्योंकि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये कथा सुनने से वायपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। इसमें महीजित नाम का एक राजा राज्य किया करता था। राजा के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, प्रजा भी बहुत ही संतोषी थी, पर संतान नहीं थी राजा की, और यही था उसका सबसे बड़ा दुख। उसका कहना था कि जिसके संतान ना हो, जिसके पुत्र ना हो, उसके लिए तो लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। कौन सा सुख है जो सुख दे सकता है। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय कर डाले, पर मजाल है कि किसी का फल प्राप्त हो जाए। अपनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा के साथ ही साथ राजा वृद्धावस्था की तरफ बढ़ने लगा। अब आती हुई वृद्धावस्था को देख राजा के मन में उथल पुथल और बढ़ने लगी। एक दिन उसने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाननों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, ना उन्हें किसी भी तरह का कष्ट पहुंचाया है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा, अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना, सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ, इस प्रकार धर्मयुक्त होते हुए भी मेरा पुत्र क्यों नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न अब यही बन गया है। बहुत दुख पा रहा हूँ मैं, आप ही बताइए कि इसका क्या कारण है और क्या कारण हो सकता है। राजा महीजित की बात का उत्तर किसी के पास नहीं था, परंतु वे सभी चाहते जरूर थे कि राजा को उनके प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिले, और राज्य के मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि अब इस प्रश्न के उत्तर को तलाशने के लिए वन में गए। उन्होंने राजा से कहा कि हम जाकर यत्न करेंगे, ऋषि मुनियों से मिलेंगे, पंडितों से मिलेंगे, कोई तो होगा जो हमें इस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा, और तब हम अवश्य आपके मन की जिज्ञासा भी दूर करेंगे। इस तरह मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन चले गए। उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को वे देखते रहे। अपनी लंबी तलाश के बाद उन्होंने एक आश्रम के बाहर एक अत्यंत वृद्ध महात्मा को देखा, जो देखने से ही जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध और सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले दिख रहे थे। ये कोई और नहीं, महात्मा लोमश मुनि थे। सभी ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं। निसंदेह मैं आपका हित करूँगा, मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, तो बताइए कि क्या समस्या है आप सबकी। तब मंत्री ने बताया कि हम जानते हैं कि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, और आप ही हैं जो हमारे संदेह को दूर कर सकते हैं, तो कृपा करके बताइए कि महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा को पुत्र की तरह रखता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन क्यों है। वे पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी हैं और उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लग रहा है, कृपा करके आप इस बात पर प्रकाश डालिए। तब ऋषि ने कुछ समय के लिए अपने नेत्र बंद किए और फिर राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत उन्होंने कहकर सुनाया। वे कहने लगे कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन दोपहर में वह बड़ा ही भूखा प्यासा एक जलाशय के पास पहुंचा। जलाशय में वो पानी पीने के लिए गया तो देखा कि एक तत्काल ब्याही हुई प्यासी गाय वहां जल पी रही थी। राजा ने बड़ी ही बेरहमी से उस गाय को वहां से हटाया और स्वयं जल पीने लगा। गाय भी उस समय ही ब्याही थी और बहुत प्यासी थी। राजा ने उसे जिस निर्ममता से पीछे हटाया, उससे उसके मन से एक आह निकली, और यही वजह है जिसके कारण आज राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। क्योंकि उस दिन एकादशी थी और राजा भूखे थे, इसीलिए वे राजा हुए, और प्यासी गौ को जल पिलाते हुए पीछे हटने के कारण उन्हें पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है,
अतः जिस प्रकार राजा का पाप नष्ट हो जाए ऐसा कोई उपाय बताइए। तब लोमश मुनि ने बताया कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि का जागरण भी करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होगी। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री सहित सारी प्रजा नगर लौट आई और जब श्रावण शुक्ल की एकादशी आई तो ऋषि के अनुसार ही उन्होंने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर एक बड़े ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यही वजह है कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा करने वाले लोगों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। साथ ही इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य इस जन्म के साथ साथ पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्त हो जाता है और स्वर्ग प्राप्त करता है। स्वयं भगवान ने बताया है कि इस एकादशी का व्रत पति और पत्नी दोनों को संयुक्त रूप से करना चाहिए। साथ ही कृष्ण की उपासना करनी चाहिए और उन्हें पीले फल और फूल अवश्य चढ़ाने चाहिए। तुलसी दल को भी इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए क्योंकि कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय है तुलसी दल। व्रत पूरा होने के बाद में संयुक्त रूप से ही प्रसाद को ग्रहण भी करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी पर इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तो आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत 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 बधाई। भगवान कृष्ण आप सबकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। राधे राधे। आप सब से आग्रह है कि मेरे बनाए गए वीडियोस अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूरी जानकारी होती है जो उन्हें भी हेल्प करेगी। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।